हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई मेडिकल को लेकर। यूपीएसआई के मेडिकल 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो गए हैं और बहुत से अभ्यर्थियों के मेडिकल 17 अक्टूबर को थे और जिनके मेडिकल 17 को नहीं है यानी कि अब आगे वाले दिनों में है, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मेडिकल के लिए अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, ठीक है, कितनी संख्या में बुलाए जा रहे हैं, उनमें से कितने उपस्थित हो रहे हैं, कितने अनुपस्थित हो रहे हैं, कितने बच्चे अनफिट किए जा रहे हैं, कितने फिट हो रहे हैं, ठीक है, और जो अनफिट हो गए हैं वो आगे अब क्या करेंगे, किन किन चीज़ों की आपकी जांच हो रही है और किस ज़िले में कितने बच्चे फिट और अनफिट हुए, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। लेकिन समझ जरूर लेना क्योंकि आपका मेडिकल होने वाला है, तो जिन बच्चों का मेडिकल होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। देखिए, जिलों के अनुसार कुछ जिलों में कम बच्चे बुलाए जा रहे हैं, कुछ जिलों में ज़्यादा बच्चे बुलाए जा रहे हैं। जिन जिलों से बच्चों की जो है सिलेक्शन ज़्यादा संख्या में हुए हैं वहाँ 50-50 बच्चे जो है मेडिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं, और जहाँ सिलेक्शन कम हुए हैं बच्चों के तो वहाँ कम संख्या में भी बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जिलों के अनुसार अलग अलग है। तो उपस्थित और अनुपस्थित की बात करें, कहीं एक बच्चा अनुपस्थित हो रहा है, कहीं कोई भी बच्चा अनुपस्थित नहीं हो रहा, सभी प्रेजेंट हो रहे हैं, कहीं पे एक से अधिक मैक्सिमम दो से ज़्यादा कहीं भी अनुपस्थित नहीं है। प्रयागराज में तो एक ही बच्चा, 50 बच्चे बुलाए गए उनमें से एक बच्चा ही अनुपस्थित हुआ, यानी कि 49 कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनफिट क्यों हो रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया भी था कि ये प्रमुख जाँचें आपकी की जा रही हैं मेडिकल से संबंधित, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी और मैंने कहा था इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। लेकिन आप लोगों ने, बहुत कम बच्चों ने उस वीडियो को देखा, और जिन्होंने वीडियो को देखा है वो लोग कमेंट करके बता भी रहे हैं कि सर हमारा बहुत अच्छा मेडिकल हुआ है और हम क्वालिफाई भी बहुत आसानी से हो गए। देखिए, मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है लेकिन बहुत ईजी भी नहीं हो रहा है। हाँ, आर्मी और पैरामिलिट्री की तुलना में थोड़ा ईजी हो रहा है लेकिन बहुत ईजी भी नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चों की संख्या कम है, इसलिए बहुत आराम से वो चेक कर रहे हैं आपके लिए, मतलब रेयर तरीके से। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत इजी हो रहा है, तो जो ये बात कहता है कि बहुत इजी हो रहा है मेडिकल, तो नहीं, मेडिकल सही हो रहा है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, आराम से चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया भी था कि आँखों के बारे में आप अपने देख लीजिए, आप चश्मा कैसे लगाते हैं, कैसा नहीं लगा रहे हैं, 6x6 है, 6x9 है, 6x12 है, क्या है, ये सारी चीज़ें देख लो, कलर विजन है या नहीं है, दूर का पढ़ने में आ रहा नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। कान है, हाइड्रोसील है, हॉर्निया है, नॉक नी और फ्लैट फुट। जो बच्चे बाहर हुए हैं वो इन्हीं चीज़ों में बाहर हुए हैं, कोई आँख की वजह से बाहर हुआ है, कोई कान की वजह से बाहर हुआ है, कोई हाइड्रोसील में बाहर हो गया, कोई हॉर्निया में बाहर हो गया है, कोई नॉक नी, कोई फ्लैट फुट, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन से ज़िले में कितने बच्चे फिट और अनफिट हुए हैं, ये सारी चीज़ भी हम बता दे रहे हैं आपको। आगरा में 100 बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है, 100 के 100 ही वहाँ पे फिट हो गए, 100 में 100 कोई बच्चा वहाँ पे अनफिट ही नहीं हुआ, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में 23 बच्चे बुलाए गए थे, 23 बच्चों में 5 बच्चे जो है अनफिट हो गए, यानी कि 18 बच्चे वहाँ पे फिट हो गए। देवरिया में 19 का मेडिकल हुआ, 19 में 5 बच्चे जो है अनफिट हुए हैं, ठीक है। हाँ, गोरखपुर में 20 बच्चों में 4 बच्चे अनफिट हुए, कुशीनगर में 8 में 1 बच्चा अनफिट हुआ है, वाराणसी में 50 में 15 प्लस, यहाँ की पूरी जानकारी नहीं मिली है लेकिन 15 प्लस हैं, 15 से 20 तक हैं, 16, 17, 18 पूरी क्लियर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वाराणसी में 50 बच्चों में 15 प्लस बच्चे जो हैं अनफिट हुए हैं। अलीगढ़ में 50 में 7 बच्चे अनफिट हुए और प्रयागराज में 50 में 17 बच्चे अनफिट हुए, ठीक है। 50 में 1 बच्चा वहाँ पे अनुपस्थित था, यानी कि 49 का मेडिकल हुआ, 49 बच्चों में 32 बच्चे क्वालिफाई कर गए और 17 बच्चे अनफिट किए गए हैं। अब ये जो बच्चे अनफिट हो गए हैं ये क्या करेंगे, ये अनफिट बच्चे जो हैं मंडलीय स्तर पर अप्लाई करेंगे, उनका मंडलीय स्तर पर उनका मेडिकल होगा, एक टीम बनाई जाएगी, इनका रीमेडिकल कराया जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मेडिकल अब अन्य किसी भी दिन है तो आप पहले से ही सज्ज हो जाइए, इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाइए, ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। प्राइवेट पार्ट को वैसे चेक नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़े उतरवा के चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका दवाई ववाई ले लीजिए, 2-4 दिन का समय होगा आपके पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो रहा है साथ साथ में, और ये प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलेगी कंटिन्यू, ठीक। मेडिकल बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। फिर भी यदि आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपकी वीडियो से मुझे हेल्प मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो प्रतिदिन जो चरित्र सत्यापन चल रहा है वो भी सभी बच्चों का चल रहा है, 50 बच्चों का चरित्र सत्यापन भी करवा रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब कंप्लीट रखिए आप,
अन्य कोई जानकारी या कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मेडिकल आपका बहुत अच्छा होगा, अनफिट बच्चे री मेडिकल के लिए अप्लाई कर दें, तुरंत अप्लाई करें, कोई समस्या नहीं होगी आपकी, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर मेडिकल देने जाइएगा। बाकी अन्य जानकारी मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।